हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वापस आ गए हैं आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की क्लासेस के साथ, जैसे कि वादा किया हुआ है आपके साथ। ईपीएफओ में आखिर तक आपके साथ चलेंगे। अब बच्चों, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा निराश कर दिया, और वो थी आपका जो एग्ज़ाम है ईपीएफओ का, वो हो गया पोस्टपोन। ठीक है, जिन्हों को अभी तक इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता तो वो नोटिफिकेशन पर ध्यान दे लें। यहाँ पर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्कस किया हुआ है उसको वहाँ पर डिटेल में कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर कर चलना है। ठीक है, तो एग्जाम की डेट हो गई पोस्टपोन। पहले 4 अक्टूबर को होना था, अब 2021 में होगा। काफ़ी लोग इससे निराश हो गए हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए, कुछ बच्चों के कॉल्स भी आए कि सर अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो मैंने सोचा कि आज पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट आपसे इस बारे में बात कर लूँ। देखो, पेपर 4 अक्टूबर को हो रहा है या नहीं हो रहा, अब या तो तुम इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में ले लो या तुम इसको नेगेटिव वे में ले लो। देखो, पेपर सबके लिए पोस्टपोन हुआ है, प्लान्स सबके लिए चेंज हुए हैं, तो सिर्फ विक्टिम कार्ड मत प्ले करो। अपने आप को विक्टिम मत समझो कि मैं तो पता नहीं क्या, मेरे साथ तो समय ने कैसा हालात बना दिया। ठीक है, पूरी दुनिया के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, तो विक्टिम मत समझिए खुद को। इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में लीजिए कि अब आपको और ज़्यादा बेहतर तैयारी करने का समय मिल रहा है। लॉ और गैप जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी बच्चे जिन सब्जेक्ट्स से अननोन थे उनसे और ज़्यादा आप जो है जान पहचान कर सकते हैं। हम भी अब आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम ज़्यादा आ गया है और लेक्चर्स तो आपके सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ही। सो जब आपने एक हार्ड चॉइस बना ले ली है तो आपको अपनी विल को स्ट्रांग रखना है। दिस इज थानोस। अगर आप सब एवेंजर्स के फैन होंगे तो थानोस को आपने देखा होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये जो करेक्टर था, इसकी बहुत सारी बातें जो है बहुत जेन्युइन लगती थी। एंड ही यूज्ड टू से दैट द हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर्स द स्ट्रांगेस्ट विल्स। यू हैव मेड द हार्डेस्ट चॉइस माई फ्रेंड ऑफ क्लियरिंग अ एग्जाम दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय अ बॉडी विच इज नोन फॉर सम डिफिकल्ट एग्जाम्स। ओके, यूपीएससी। तो आपने हार्ड चॉइस कर लिया, विल पावर को भी स्ट्रांग रखो, ठीक है, उसको धीमा मत पड़ने दो। तो एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म की बात करेंगे और आज हम पार्ट 1 देखेंगे। इसको भी 2-3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजीली जल्दी जल्दी इसको याद कर सकें। वीडियो के साथ साथ ही आपने याद करते हुए चलना है, ठीक है। मेनली आज हम प्री World War I एवोल्यूशन देखेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने जो ये एवोल्यूशन है इसको किस तरह से डिवाइड किया है, ये भी हम लेक्चर में देखेंगे। बच्चों, अब लेक्चर के साथ देखो, समय आगे बढ़ गया है पेपर का, तो प्रैक्टिस भी और ज्यादा करनी है क्योंकि और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप तैयारी नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चे भी ढीले पड़ जाएंगे। तो तैयारी के लिए ये हमारे कुछ एमसीक्यू कोर्सेज हैं जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का एमसीक्यू कोर्स है, इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अभी हम इनके वीडियो कोर्सेज भी जल्दी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इसमें, और आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको उनके डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिलेंगे। आप लॉ का ले सकते हो, आप अकाउंट्स का ले सकते हो अलग से, सोशल सिक्योरिटी, जनरल साइंस का ले सकते हो, ठीक है। आप कॉम्बो कोर्सेज भी ले सकते हो हमारे, ठीक है। इसके अलावा ये तो है आपके जो पेड एमसीक्यू कोर्सेज हैं, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वीडियोस इनके डल भी चुके हैं, हिस्ट्री का वीडियो डल चुका है, पॉलिटी का वीडियो डल चुका है, इकोनॉमी का वीडियो डल चुका है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। 10 क्वेश्चन करते हैं एक बार में और सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो वो भी देख लेना। अब करते हैं आज का अपना सब्जेक्ट शुरू। चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इंडियन वर्किंग क्लास जो थी वो अंग्रेजों के आने के कुछ समय बाद उसको भी सेम टाइप की एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, यूरोप जैसी कंट्रीज में जो लोग फेस कर रहे थे, ठीक है। मैंने जब आपके साथ एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने रीजंस फॉर ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन डिस्कस किए थे, तो उन रीजंस में एक एक्सप्लॉयटेशन भी रीजन था, ठीक है। अब वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से वेस्ट में लोगों ने ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया या इंडिया में जो वर्किंग क्लास है उन्होंने ट्रेड यूनियन के बारे में सोचना शुरू किया, क्या एक्सप्लॉयटेशन थे वो? सबसे पहले लो वेजेस, कम तनख्वाहों में काम कराना, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये इम्पैक्ट था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स कोई रेगुलेटेड नहीं थे, जैसे आज की डेट में आपके वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड हैं कि भाई 9 घंटे काम कराना है या 11 घंटे काम कराना है या 12 घंटे काम कराना है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते और अगर कराओगे तो आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। पर उस समय ऐसा नहीं होता था, 18-18, 20-20 घंटे जो है फैक्ट्री ओनर्स जो है काम कराया करते थे। अनहाइजीनिक कंडीशंस हुआ करती थी, हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस हुआ करती थी, सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं होता था, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, ये भी एक मेजर रीज़न था। और एब्सेंस ऑफ बेसिक एमेनिटीज़, बेसिक एमेनिटीज़ में जैसे आ गया ड्रिंकिंग वाटर की एमेनिटी नहीं है, ठीक है, टॉयलेट की एमेनिटी नहीं है, रेस्ट रूम की एमेनिटी नहीं है, मेडिकल एमेनिटी नहीं है, तो ये सारी एमेनिटीज़ भी एब्सेंट हुआ करती थी। इसी वजह से यही सारी प्रॉब्लम्स जो वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप में फेस कर रहे थे लोग, वही इंडिया की वर्किंग क्लास ने भी फेस करनी शुरू कर दी। अब अगर हम बात करें यूरोप या हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन वॉज अ फ्री कंट्री, ठीक है, तब भी वहां पर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो एक फ्री कंट्री थी। इंडिया में तो अब ये प्रॉब्लम जो है डबल हो जाएगी क्योंकि इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो इंडिया के अंदर जो वर्किंग क्लास मूवमेंट हुआ उसमें ये कॉलोनिज्म जो आपका कॉलोनियलिज्म है इसका भी टच आ गया, ठीक है। इसी वजह से इंडिया की जो वर्किंग क्लास है उसे दो तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी। एक तो यहाँ पे इंपेरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल था, ब्रिटेन में कम से कम देश तो आजाद था, लोग आजाद तो थे, यहाँ पर बाहर के लोग आकर रूल कर रहे थे। दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, दोनों फॉरेनर्स के हाथों और नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासों के हाथों, तो इंडिया वाले जो लोग थे इनको दो तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और इन्हीं सब सर्कमस्टेंसेस के अंदर इनएविटेबली द इंडियन वर्किंग क्लास केम फॉरवर्ड, ठीक है, ताकि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो कर सकें। ऑलराइट, अब जब हम फेजेस की बात करते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट की इंडिया में, तो हम 3 फेजेस में हम पढ़ाई करेंगे। पहले हम देखेंगे प्री वर्ल्ड वॉर 1, जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो चीजें एवोल्यूट हुई, उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या हुआ, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद किस तरह से ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो डेवलप हुई। तो इन 3 फेजेस में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो बच्चों हमारा टारगेट रहेगा, आज हम प्री वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर जो है मेनली फोकस करेंगे कि प्री वर्ल्ड वॉर 1 में क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं प्री वर्ल्ड वॉर 1। तो प्री वर्ल्ड वॉर 1 की जब मैं बात करता हूं, तो अगर आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ट्रेस बैक करो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली कब शुरू हुई इंडिया में? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कहा जाता है तब शुरू हुई जब हिंदुस्तान में 1850s के अराउंड, अर्ली 1850s में कॉटन मिल्स और जूट मिल्स आनी शुरू हो गई। कॉटन मिल्स आपकी इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई बॉम्बे में और जूट मिल्स आपकी इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई कैलकाटा में। अब क्या आप में से किसी को पता है कि पहली कॉटन मिल कहाँ बनी थी और किसने बनाई थी, और पहली जूट मिल कहाँ बनी थी और किसने बनाई थी? प्रोबेबल क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन या फिर जूट मिल एस्टैब्लिश इन इंडिया? पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता? स्टेटमेंट बेस बनाकर भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए हु एस्टैब्लिश्ड इट, ये भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? अब ये दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकते हैं फैक्चुअल, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। तो ये वाले फैक्ट्स अब देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो आपकी जो पहली कॉटन मिल थी बच्चों, उस कॉटन कंपनी का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई थी, जगह इंपॉर्टेंट है, 1853 में स्टैब्लिश की गई थी, जगह टाइम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई नहीं भी याद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तारदेव नाम की जगह थी बॉम्बे में, वहां पर इसको बनाया गया था और इसके जो ओनर थे उनका नाम था कोवासजी नानोभाई दावर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट आपके यहाँ से निकल कर आते हैं जो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद कर लेना आपने। साथ के साथ अभी के अभी कॉटन मिल कहां पर बनी? बॉम्बे में। पहली कौन से साल में बनी? 1853 में। और किसने बनाई? कोवासजी नानाभाई दावर ने। याद हो गया? चलो अब जूट मिल की बात करते हैं। पहली जूट मिल कहां बनी, कब बनी? 1855 में। किसने बनाई? जॉर्ज एक्लैंड ने। और इसमें एक बंगाली फाइनेंशियर भी जो था वो कोलैबोरेट किया था उसने जॉर्ज एक्लैंड के साथ। उस बंगाली का नाम था बाबू बाइसंबरसेन, ठीक है, और एक डेंडी जूट ओवरसियर, तो इन्होंने मिलकर के एक जूट स्पिनिंग मशीनरी बनाई रिश्रा नाम की जगह पे कैलकाटा में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फैक्चुअल फॉर्म में, ओके। चलिए उसके बाद अब लेबर यूनियन जो है आपका, जो ट्रेड यूनियनिज्म है, हमने देखा कि 1850s में इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हो गया, लेकिन जो लेबर अनरेस्ट था ना वो तेज होना शुरू हुआ आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। और उसमें एक जो डेट मार्क की जाती है वो है 1860, जब आपके इंडिगो कल्टीवेटर्स ने रिवोल्ट कर दिया था बंगाल में, ठीक है। उसके बाद जो है लेबर मूवमेंट ने काफी ज्यादा जो है जोर पकड़ा। लेकिन जो शुरू के नेशनलिस्ट्स थे ना, चाहे अगर मैं वो कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस में आप जानते हैं कि जब कांग्रेस की फाउंडेशन हुई 1885 में, तो तब ज्यादातर कांग्रेस में कौन थे, मॉडरेट्स थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो बाद में आएगा, तो मॉडरेट्स थे। तो ये जो नेशनलिस्ट थे या ये जो मॉडरेट्स थे, ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए लेबर मूवमेंट में या लेबर कॉज में, ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। और इसके पीछे इनके रीजंस थे। वो क्या रीजन थे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाई वर द अर्ली नेशनलिस्ट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म, व्हाई वर अर्ली नेशनलिस्ट नॉट much enthusiastic about labor reforms। पूछा जा सकता, नहीं पूछा जा सकता, नीचे तीन चार स्टेटमेंट दे देगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो एक कारण था कि भैया लेबर कॉज से वो इंडिफरेंट थे। उसके पीछे कारण क्या था, वो ये चाहते थे कि इंडिया में जो लेबर है उनको बहुत ज्यादा चीजें जो है ना दी जाए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में कह दिया कि भाई वर्किंग आवर्स जो है उनको रेगुलेट कर दो, और वुमेन नहीं काम करेगी, बच्चे नहीं काम करेंगे, तरह तरह के नियम बना दिए। उनका ये कहना था कि इंडिया में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह की डेवलपमेंट वेस्ट में है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया। और अगर आप इतने स्ट्रिक्ट लॉज बना दोगे वर्किंग आवर्स रेगुलेट करने के और ये सब चीजें रेगुलेट करने के, तो उससे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाएगी। तो इस वजह से एक तो ये फैक्ट्रीज एक्ट जो आए 1881 में या 1891 में, उसको भी इन्होंने विद्रो किया, ठीक है। और ये क्या कहते थे, ये मेनली डिफरेंशिएट करते थे कि जो इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज हैं और जो ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज हैं उनमें डिफरेंशिएट करते थे। ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज में तो ये कह देते थे कि आप नियम लगा दो, लेकिन जो हिंदुस्तानियों द्वारा फैक्ट्रीज ओन की जाती थी उसमें कहते थे आप इनमें नियम मत लगाओ, क्योंकि ये कठोर नियम जो है यहाँ पे ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है। सो दे बिलीव दैट लेबर लेजिस्लेशंस वुड अफेक्ट द कॉम्पिटिटिव एज इंजॉयड बाय द इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया में लेबर अवेलेबल है और वो इंडिया की लेबर जो है चीप रेट पे अवेलेबल है, तो अगर आप लेबर वेजेस सेट कर दोगे, मिनिमम वेज सेट कर दोगे, तो इंडिया में तो कभी इंडस्ट्री ग्रो कर ही नहीं पाएगी, इंडियन इंडस्ट्री तो कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। दूसरी चीज, ये नहीं चाहते थे कि जब लोगों को अभी जोड़ने की साथ में जरूरत है, तो ये नहीं चाहते थे कि एक हिंदुस्तान में डिफरेंट क्लासेस के बीच में आपस में मूवमेंट शुरू हो जाए कि वर्किंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये सब चाहते थे कि अभी आपस में सारे मिलकर लड़ें अंग्रेजों के खिलाफ, एक कॉमन एनिमी के खिलाफ। अगर ये वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो वर्कर और कैपिटलिस्ट आपस में भिड़ते रहेंगे और ब्रिटिशर्स से जो फाइट है वो साइड हो जाएगी। उसके बाद इसी वजह से इन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1881 और 1891 को जो है नहीं इन्होंने समझा। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट भी मैं आपके साथ इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस करूंगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए मैं बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ ये फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1881 का, 1891 का और जो सारे जो बाद में भी जो फैक्ट्रीज एक्ट आए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। वो बेसिकली हम लेबर लॉज जब हम पढ़ेंगे तब हम करेंगे, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ज्यादातर इनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो चल रहे थे अभी भी। अब ये इंडिविजुअल एफर्ट्स सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट्स हैं, सारे के सारे अभी साथ के साथ याद कर लेने हैं। 1870 में देयर वाज अ पर्सन, हिज नेम वाज शशिपदा बनर्जी, ठीक है। एंड शशिपदा बनर्जी स्टार्टेड अ वर्किंग मेंस क्लब, इन्होंने एक क्लब स्टार्ट किया और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, भारत श्रमजीवी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत श्रमजीवी नाम का न्यूज़पेपर 1870 में किसने शुरू किया। नीचे चार ऑप्शन होंगे A, B, C, D और आपका आंसर हो जाएगा शशिपदा बनर्जी। या ये भी पूछा जा सकता है कि वर्किंग मैन क्लब किसने स्टार्ट किया, तो इसमें भी आप आंसर इजीली दे दोगे, ठीक है। उसके बाद 1878 में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सोराबजी शापुरजी बंगाली, ओके, ही वाज देयर इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर इन्होंने एक बिल पेश किया ताकि ये बेटर वर्किंग कंडीशंस लेकर आ सकें लेबर के लिए, ठीक है। और दिस बिल वाज पास्ड इन द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। तो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे, और इन सम बुक्स इट इज सिंपली रिटन एज एनएम लोखंडे, ओके, ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर और उस न्यूज़पेपर का नाम था दीनबंधु, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई जिसका नाम था बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन किसने बनाया या दीनबंधु न्यूज़पेपर किसका था, तो आप कह दोगे कि जी एनएम लोखंडे का था। उसके बाद 1899 में हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो ऑर्गेनाइज की गई पेनिनसुलर रेलवेज द्वारा, और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। और इसमें तिलक के जो दो न्यूज़पेपर्स थे, केसरी और महारथा, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आकर प्ले किया, ठीक है। अब आपको लैंग्वेजेस इनकी याद है कि नहीं याद है? तिलक के इन दो न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। जो आपका केसरी था, दैट वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, पता होगा बहुत से लोगों को, मराठी में। और महारथा जो था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था? इंग्लिश में, ठीक है। इसमें एग्जामिनर भी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल जी, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने वर्कर्स की बेटर कंडीशंस की डिमांड रखी और प्रो लेबर रिफॉर्म्स की जो है डिमांड आगे रखी। अब स्वदेशी मूवमेंट आ गया, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आ गया। बंगाल के पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की गई, तो स्वदेशी मूवमेंट पे भी लेबर रिफॉर्म्स ने कुछ जो है यहाँ पर जोर पकड़ा। वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन वाइडर पॉलिटिकल इशूज, स्वदेशी मूवमेंट से वर्कर्स जो हैं इनकी पॉलिटिकल इशूज में एंट्री हो गई। अब बहुत सारी स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की गई थी उस समय पे, जैसे अश्विनी कुमार बनर्जी थे, प्रभत कुमार रॉय चौधरी थे, प्रेमतोष बोस थे, अपूर्व कुमार घोष थे, ये सारे इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले लोग थे और इन्होंने वर्कर्स को लेकर के कुछ स्ट्राइक्स जो है स्वदेशी मूवमेंट में लॉन्च की। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस में भी स्ट्राइक्स होनी शुरू हुई, रेलवे में, जूट इंडस्ट्री में, हर जगह पर स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक्स करना शुरू किया। इसी वजह से हमने यहां पर कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज में अब जो है वर्किंग क्लास की एंट्री शुरू हो गई। ऑल्सो देयर वर अटेम्प्ट्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस बट दीज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। अभी देखो ट्रेड यूनियन बनाने के अटेम्प्ट किए लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। दो प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने ये रोल प्ले किया जैसे सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस से, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। देखो आज से शायद 2017 या 2018 में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था, एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, XYZ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था, XYZ ऑर्गेनाइज्ड द डांडी मार्च एट द कोस्ट ऑफ विच रिवर, ठीक है, मुझे एट द कोस्ट ऑफ कुछ ऐसा कुछ था उसमें। तो इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर सुब्रमण्यम शिवा या चिदम्बरम पिल्लई जो स्ट्राइक्स को लीड कर रहे थे उनको कहां से अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्री ऑफ द लेबर क्लास और द वर्किंग क्लास इनटू द पॉलिटिकल इशूज। अब पॉलिटिकल इश्यूज में वो घुस गए हैं, लेकिन ये जो स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज हो रही थी इनको एक बिग ब्लो तब मिला जब तिलक का अरेस्ट हो गया 1907 में, ठीक है। उसके बाद तिलक का अरेस्ट हो गया और उनको फिर जेल भेज दिया गया मेंढले में, तो उसके बाद जो है ये लेबर मूवमेंट जो थोड़ी सी डल पड़नी शुरू हो गई। अगर अब हम कंक्लूजन की बात करें हमारे पहले फेज की, प्री WW I की, तो जो सबसे ज़्यादा नोटेबल फीचर था जो ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इस फेज में था वो ये था कि जो वर्कर्स थे वो एज सच उनकी कोई डिमांड्स नहीं थी, उनकी कोई बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी नहीं थी, ठीक है, और इनको कोई लीडर्स नहीं लीड कर रहे थे या कोई वर्कर्स के अंदर से कोई लीडर नहीं निकल के आ रहा था जो इन ट्रेड यूनियंस को लीड कर रहा था। वैसे तो ट्रेड यूनियन अभी डेवलप ही नहीं होने शुरू हुए थे ढंग से, फिर भी जो छोटी छोटी यूनियन बन रही थी उनको भी वर्कर्स लीड नहीं कर रहे थे, उनको सोशल रिफॉर्मर्स लीड कर रहे थे, ठीक है। और जो यूनियंस थी वो एज सच ट्रेड यूनियंस की तरह ट्रू सेंस में ऑपरेशनल भी नहीं थी, और जो इनका काम था मेनली दैट वॉज यू नो लिसनिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो जाएगा तब पिक्चर थोड़ी सी और चेंज होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम पढ़ेंगे फेज 2 में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसमें बहुत सारे कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं जो हमने न्यूज़पेपर्स देखे और लोगों के नाम देखे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से आपने याद कर लेना साथ के साथ। और लिखने विखने की चिंता नहीं करनी, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड। फिर भी किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फायदा होगा क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।